कैमूर पुलिस ने जिले में खोए हुए 88 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद कर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके मालिकों को सौंप दिया है। खोए हुए मोबाइल जैसे ही मालिकों को मिले वह खुश हो गए। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल वापस मिल सकेगा। खोए हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप की बरामदगी के लिए कैमूर के SP राकेश कुमार की ओर से एक टीम गठित की गई थी। टीम बनने के बाद सभी थाना प्रभारियों के सहयोग से तकनीकी अनुसंधान के जरिए विभिन्न जगहों से ये मोबाइल फोन मिले हैं। ये मोबाइल फोन जिन्हें मिले थे उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। मोबाइल फोन बरामद करने के बाद कैमूर SP ने सभी थाना प्रभारियों को जिले में बुलाकर जिनका मोबाइल फोन था उन्हें खोया हुआ मोबाइल फोन वापस कराया। SP राकेश कुमार ने बताया कि बहुत से मिसिंग मोबाइल का आवेदन हर थाना में दिया गया था। इसी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया जिसमें 88 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। काफी लोगों के मोबाइल गुम हो जाते थे जिसकी लोग थानों में सूचना देते थे या हमारे ऑफिस में देते थे या DIU में भी देते थे। तो लगातार एक महीने इसमें DIU की टीम और इनके जो प्रभारी हैं संतोष कुमार काफ़ी मेहनत की गई है और ये 82 मोबाइल्स हैं जो विभिन्न जगहों से विभिन्न लोगों से रिकवर किए हैं। आज उन्हीं को हम लोग पब्लिक को हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 लैपटॉप भी हैं जिसमें से एक लैपटॉप अभी वितरित किया जा चुका है। एक लैपटॉप के धारक अभी नहीं है जो वाजिब खत्म हो। मोबाइल चोरे अन्य चोरों के लिए कैमूर पुलिस अधीक्षक क्या निर्देश है? मोबाइल चोरी या किसी भी किस्म का चोरी वो अपराध ही है और लोगों को यही हम लोगों का एक संकेत भी है कि इस प्रकार के लोग नहीं करते हैं ना करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और जो यंगस्टर्स उनकी हम लोगों की यही अपील है कि अच्छे से पढ़े लिखे ताकि वो अपने परिवार के लिए अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।